नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग सही ढंग से किस तरह से करते हैं और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आपको अपनी हिप साइज़ और चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसे डबल फोल्ड लेना है। यहाँ मैंने अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से 12 इंचेस तक डबल फोल्ड लिया है। जो भी आपकी लेंथ है उसमें 2 इंचेस प्लस करना है। 2 इंचेस ऐड करने के बाद यहाँ हम बैक पैनल को भी सेम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, मगर यहाँ बैक पैनल हमें करीब 1 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ हम 1 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे और इस मार्क के नीचे की तरफ इस फ्रंट पैनल को सेट करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पैनल है वहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कपड़े में अगर कोई भी टेढ़ है तो उसे पहले निकाल दें, वरना फिटिंग हमारी परफेक्ट नहीं बैठेगी। अब देखिए, मैंने उस मार्क के ऊपर इस फ्रंट पैनल को सेट किया है। यहाँ से हम शोल्डर लाइन पे मार्क करेंगे। जो भी आपकी फुल मेज़रमेंट है शोल्डर लाइन की, उसका हाफ करके और यहाँ मार्क करें। यहाँ मेरी 7 इंचेस है। जो आर्म होल लेंथ है मेरा टोटल, वो भी 7 इंचेस है, मगर उसमें 1/2 इंच हमारे ड्रॉप के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है, तो 7.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। जो भी चेस्ट लाइन की फुल मेज़रमेंट है उसका 1/4 करें। शोल्डर लाइन से 15 इंचेस नीचे आती है हमारी वेस्ट लाइन, 22 इंचेस नीचे आती है हमारी हिप लाइन। यहाँ भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क्स के ऊपर जो भी मेज़रमेंट है फुल मेज़रमेंट उसका 1/4 करें और उसमें मार्जिन का एक्स्ट्रा लें। यहाँ मेरी चेस्ट लाइन 36 है, वेस्ट लाइन 30 और हिप मेज़रमेंट 40। उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है। अब देखिए, जो चेस्ट लाइन है उसके 2 इंचेस नीचे हमारी आती है फुल बस्ट लाइन, तो वहाँ तक हमें बिल्कुल स्ट्रेट में मार्क करना है और बाकी मार्किंग को इस तरह से मिलाना है। अब जो ये हमारा आर्म होल है, जो भी आपने लेंथ ली है उसके बिल्कुल हाफ में एक मार्क करें। अब इन दोनों मार्क्स को इस कर्व की हेल्प से अच्छी सी गोलाई वाला शेप दें। ये पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमारी शोल्डर लाइन है उसमें क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरी कटिंग हो जाने के बाद अब जो हमारा बैक पैनल है यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। पहले जो नेक लाइन की चौड़ाई रखनी है उस पर मार्क कर लें और यहाँ देखिए इस तरह एंड तक एक स्लांटिंग में स्लोप बनाए। पहले हम इस बैक पैनल के स्लोप की कटिंग कर लेंगे।
अब जो हमारा फ्रंट पैनल है यहाँ हम 1 इंच तक एक मार्क करेंगे और 1 इंच तक यहाँ पर स्लोप बनाएंगे। इस तरह से स्लैंटिंग में मार्क करके यहाँ फ्रंट पैनल में भी हम इस स्लोप की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जब हम इसे सिलाई करेंगे तो इस तरह फोल्ड होके बैक पैनल आगे की तरफ आएगा और हमारा जो आर्म होल लेंथ है वो बिल्कुल परफेक्ट 7 इंचेस आएगा। अब बैक पैनल में हम 1 इंच लंबा इस तरह से नेक कट करेंगे। फ्रंट पैनल में जो भी आपने चौड़ाई रखी है गले की उससे 1/4 इंच कम करना है चौड़ाई में और लंबाई हमें 3 से 3.25 इंच लेनी है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप कॉलर नेक में रखते हैं। अब यहाँ से इस तरह से कॉलर नेक के लिए राउंड शेप देंगे और इस नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आर्म होल लेंथ पर मार्क करना है और अंदर की तरफ 1 इंच से कम 1/4 इंच तक हम इस तरह से मार्क करेंगे और फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्क करना है। अगर आप कॉलर कुर्ती प्लस साइज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से मार्किंग 1 इंच के करीब होगी। कॉलर कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स नए नए कॉलर नेक डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।